दोस्तों इन्वर्टर किस तरह से सेटअप किया जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं 150 एमबी की बैटरी है और यहाँ पर हम 1050 वी का इन्वर्टर सेटअप कर रहे हैं। नेगेटिव की जगह नेगेटिव ब्लैक कलर का नेगेटिव है बैटरी के अंदर सेटअप करेंगे और पॉजिटिव लगाते ही जैसे कि आप देख सकते हैं इन्वर्टर ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर टेस्टिंग करते हैं तो यहाँ पर 100 वोल्ट का बल्ब ओके हो रहा है। अब यहाँ पर चार्जिंग बोर्ड लगाना है तो किस तरह से लगाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्विच बोर्ड हम लगा रहे हैं। इसके अंदर 3 वायर होते हैं जिसमें से 2 वायर न्यूट्रल फेज होते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉकेट और स्विच है। अब स्विच बोर्ड के कनेक्शन की बारी आती है तो यहाँ पर देख सकते हैं रेड कलर का वायर आप स्विच के अंदर एड करेंगे, ब्लैक कलर का वायर आप सॉकेट के अंदर कनेक्शन करेंगे। आपको सीधा कनेक्शन करना है फेस की जगह फेस, न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल कनेक्शन करना है। अगर आप उल्टा कनेक्शन कर देते हो तो इन्वर्टर फॉल्ट हो सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एक पिन है, इसके अंदर आप न्यूट्रल और लाइन देखने को मिलती है। आपको लाइन वाले एरिया में आपको जो लोड कनेक्शन होता है वो सिंगल वायर एड कर देना है जो इन्वर्टर के पीछे लगाया जाता है। पिन तैयार होने के बाद आप स्विच बोर्ड को चेक करिए, यहाँ पे फेस किस जगह पे आ रहा है उस हिसाब से आपको इन्वर्टर का फेस चेक कर लेना है और पिन को अंदर डाल दीजिए इन्वर्टर वाले को। यहाँ पे चार्जिंग जो है ऑन हो चुकी है। बैक साइड में देखेंगे तो यहाँ पर फेस राइट साइड में आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर पिन डालते ही आपके घर का लोड ओके हो जाएगा।